के वार्ड 1 में ईवीएम खराब होने की जानकारी भी सामने आई है। 2 घंटे से लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आयोग की अवस्था से लोगों में गुस्सा है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर उसको देखते हुए लोगों में काफी गुस्सा है। 2 बार यहाँ पर ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आ चुकी है। बूथ नंबर 6 की है ये जानकारी, जहां पर ईवीएम खराब हो गई। अव्यवस्था से लोगों में गुस्सा है, आयोग की लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, 2 बार अभी तक ईवीएम यहां पर खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी वक्त यहां पर अपना गुजारना पड़ रहा है, लाइनों में लगकर उन्हें अपना वक्त खराब करना पड़ रहा है। इस समय हम वार्ड नंबर 1 के बूथ नंबर 6 के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर पिछले 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत चल रही है एक ईवीएम को सही करने में। या आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो बाहर खड़े हैं और लगातार ये बात की जा रही है कि वोट्स कब डलेंगे, क्योंकि समय भी निकलता जा रहा है। ऐसे में तकरीबन 2 घंटे का इंतजार। भाई साहब, क्या कितनी देर से खड़े हैं आप? आधा घंटा तो मुझे हो चुका है, उससे पहले काफी टाइम से सुनने में आ रहा है। यहाँ हो सकता है कि 2 घंटे हो, बट आधा घंटा हम लोगों को हो चुका है यहाँ पे लाइन में लगे हुए। और बाकी लोग जो ये बता रहे हैं कि कम से कम 2 घंटे हो गए मशीन जो है खराब पड़ी हुई है और ठीक से काम नहीं कर रही, वर्किंग नहीं कर रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लोग ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ कुछ और युवा साथी हमारे मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे क्या चल रहा है अंदर, क्या बताया जा रहा है? तकरीबन 2 घंटे से मशीन 2 बार खराब हो चुकी है और अभी तक तो ज्यादातर ड्रामेबाजी ही चल रही है। पहले मशीन का कीबोर्ड चेंज किया गया था, उसके बाद पूरी की पूरी जब मशीन चालू हो गई थी ठीक तरीके से चल गई थी, उसके बाद मशीन पूरी की पूरी ही चेंज कर दी गई है और ये श्रीआम घपलेबाजी चल रही है। और इसी सिर्फ 6 नंबर वार्ड की ही, इनको यही कहना चाहेंगे इलेक्शन ड्रानी तो अगर ये ड्रामेबाजी करनी है खुद ही आज एक तरह से जीत घोषित कर लो अपने आप। बूथ नंबर 6 से आप देख सकते हैं, ये बूथ नंबर 6 है और पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें वार्ड नंबर 1 है। ऐसे में दूसरी बार ये मशीन जो है वो बदली गई है, इससे पहले कीबोर्ड जो है वो बदला गया था, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट कराने वाले तमाम अधिकारी जो है इस मशीन के साथ जो है वो यहाँ पर लगातार चेक कर रहे हैं कि क्या ये चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन वोटर्स जो घर छोड़कर निकले हैं, मतदान करने के लिए निकले हैं, लोकतंत्र के इस हवन में आहूति डालने के लिए निकले हैं, वो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो कई सवाल खड़े करता है। जो जिस तरह से चुनाव कंडक्ट कराने, स्मूथली कंडक्ट कराने के दावे किए जाते हैं, उनकी पोल खोलता नजर आ रहा है। ना केवल पुरुष बल्कि दूसरी तरफ आप महिलाओं की भी एक लंबी कतार देख सकते हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर वोट करने के लिए आए हुए हैं और इनको कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में तमाम ये महिलाएं भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितनी देर से आप लोग खड़े हैं? आधे घंटे से खड़े भैया हम। 3 घंटे हो गए। हाँ जी, क्या बताया गया? आप 2 बार बताया भी मशीन खराब होगी, लाइन में लग के फिर बाहर बैठ के फिर यहाँ खड़ गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग हैं, आक्रोश भी है इन लोगों में, क्योंकि ये अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। ऐसे में इलेक्शन जो कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनके जो अधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मशीन को बार बार चेक किया जा रहा है कि इसे चलाया जा सके, वोटिंग कराई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था देने की बात की जाती है कि स्मूथली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वोटिंग सेंटर्स पर, बूथ्स पर, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ जो है अंबाला के वार्ड नंबर 1 के 6 नंबर बूथ में पूरी तरह से उलट नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़ अंबाला।